दोस्तों, जुलाई एंड आ चुका है और आज की वीडियो में आप लोग को एक काफ़ी कमाल की थीम के बारे में बताने वाला हूँ और जो फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो सारी जानकारी वाइज आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो में बिल्कुल लास्ट में बने रहिएगा और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को कौन सी थीम और कौन सी फ़ॉन्ट मैं यहाँ अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को वीडियो में बिल्कुल लास्ट में बने रहना। लास्ट तक जैसे आप लोग वीडियो देखेंगे आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कहा जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो थीम मैं अपने फ़ोन में अप्लाई करके यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यूज़ अप्लाई करने के बाद इस थीम की जो वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है वो दोस्तों काफ़ी कमाल की और कलरफुल वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आइकन पैक की बात करते हैं तो देख सकते हैं काफ़ी ओल्ड सा आपको आइकन पैक देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर स्टेटस बार में जाते हैं हम लोग तो देख सकते हैं आप लोगों जो बैटरी की आइकन है या फिर जो नेटवर्क बार की आइकन है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर कस्टमाइज हो गया। देख सकते हैं आप लोगों को जैसा कि केमिस्ट्री लैब में, अगर आप लोग केमिस्ट्री, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो जिस तरह से केमिस्ट्री लैब में आप लोगों को जार वगैरह देखने को मिलता है दोस्तों, उसी तरह के आप टेस्ट ट्यूब वगैरह देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं आप लोगों को टेस्ट ट्यूब यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जार देखने को मिल जाता है। वाईफाई की अगर बंद करेंगे आप लोग तो जो जार देखने को मिलता है, टेस्ट ट्यूब देखने को मिलता है दोस्तों, वो यहाँ पर देख सकते हैं उसकी आइकन यहाँ पर इनेबल डिसेबल हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग को अभी जैसे वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो उसकी टेस्ट ट्यूब वाली जार आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 5G का आइकन देखने को मिलता है, जो आपको नेटवर्क बार है वो आपको टेस्ट ट्यूब देखने को मिलता है और वहाँ पर आप लोग 5G आइकन देखने को मिल जाता है। देखो दोस्तों हमारे फ़ोन में 5G नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी कमाल के आप लोग आइकन पैक देखने को मिलता है। और अगर आपके फ़ोन में मी की डाटा रह जाए तो देख सकते हैं आप लोग को काफ़ी कमाल की मी की डाटा आपको देखने को मिल जाता है। और जब भी आप लोग कॉल करेंगे तो कुछ इस तरह की आप लोग को इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। गाइज आप लोग जाएंगे कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में तो देख सकते हैं काफ़ी कमाल के आप लोग कॉन्टैक्ट वाली एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा आपके फ़ोन में मी मैसेज है तो कुछ इस तरह से आप लोग को मी मैसेज वाली इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी कमाल की आप लोग को यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलता है, यूआई मिलता है और काफ़ी कलरफुल आपको यहाँ पर यूआई देखने को मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैं फ़ोन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट लुक की आपको यहाँ पर फ़ोन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कहीं जाते हैं हम लोकेशन अपने फ़ोन की तो देख सकते हैं लोकेशन पर भी आप लोगों को सेम वॉलपेपर देखने को मिलता है, मतलब सेम कलरफुल वॉलपेपर मिलता है आप लोगों को। बीच की यहाँ पर वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। और यहाँ बात करें यहाँ पर विजेट्स की कलर वाली विजेट दोस्तों, आप लोग काफ़ी कलरफुल यहाँ पर विजेट देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों इस फ़ोन को अप्लाई करने के बाद अगर आपके फ़ोन में डार्क मोड को इनेबल करेंगे तो डार्क मोड को इनेबल करते ही जो सारे कस्टमाइजेशन है वो यहाँ से हट जाता है। देख सकते हैं आप लोगों को कोई भी कस्टमाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो नॉर्मल मोड में अगर आप इस थीम को यूज़ करेंगे तो सभी कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर MIUI 13 वाली कंट्रोल सेंटर है दोस्तों तो कुछ इससे आप लोग को ये कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। दोस्तों जो थीम मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ उस थीम का नाम है वैकेशन IZ V13। और देख सकते हैं ये थीम जो है कंफर्टेबल है आपको MIUI 12, 12.5, 12, MIUI 13 में भी कंफर्टेबल है। और इसके डिजाइनर की बात करते हैं तो डिजाइनर का नाम है ईजान और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा या फिर आप लोगों को अपने थीम स्टोर सर्च करेंगे थीम देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों फ़ोन की बात करते हैं यहाँ पर तो मैं ये वाले फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कौन सी फेवरेट फ़ोन है या फिर फेवरेट थीम है।